असलकम बज़ मंजूर सर वेलकमिंग यू अगेन इन दिनलाइन क्लासेज़ ऑफ 10th क्लास मैथमेटिक्स इस वक्त हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.2 पढ़ रहे हैं अब हमें इसमें क्वेश्चन नंबर फोर करना है क्वेश्चन नंबर फोर इस तरह से है कि हमें एक तीन पॉइंट दिए गए हैं a माइनस थ्री टेन बी सिक्स माइनस एट उसके बाद एक पॉइंट है माइनस वन सिक्स तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि बताओ ये पॉइंट जो है माइनस वन सिक्स जिसका नाम हमने यहाँ पी रखा है बताओ ये ए बी लाइन को किस रेशो में डिवाइड करता है व्हाट इज़ द रेशो यहाँ पे आप हमें रेशो निकालना है तो यानी ये क्वेश्चन उल्टा है कि हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं आम क्वेश्चनों में हमें इस पॉइंट के कॉर्डिनेट निकालने होते हैं और रेशो हमें दिया गया होता है तो यहाँ क्वेश्चन उल्टा है कि कॉर्डिनेट दिए गए हैं और हमें रेशो निकालना है तो यहाँ सबसे पहल, पहली बात है कि जब भी रेशो निकालना होता है तो हम रेशो सपोज करते हैं एम इज टू वन सपोज़ अगर रेशो होगा फाइव इज टू सिक्स फाइव इज टू सिक्स को हम लिख सकते हैं फाइव बाई सिक्स इज टू वन अगर रेशो कभी थ्री इज टू टू होता है तो उसको हम लिख सकते हैं थ्री बाई टू इज टू वन सो वी कैन विदाउट एनी डिस्कशन वी कैन सपोज डैट रेशो इज एम इज टू वन तो यहां पे हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन पॉइंट्स आर क्योंकि इन पॉइंटों यहां पे नाम नहीं दिए गए हैं इसलिए हम इनके पहले सबसे पहले नाम रखेंगे लेट लेट ए माइनस थ्री टेन बी इजिकल टू सिक्स माइनस एट एंड पी इजिकल टू माइनस वन सिक्स बी दिवन ओके लेट अब इसके बाद लेट दिस पी डिवाइडस ए बी इन द रेशो, सपोज रेशो है रेशो एम इज टू वन सपोज रेशो इज एम इज टू वन अब हम इस एम को निकालने की कोशिश करेंगे इस एम से हमें पता चलेगा कि रेशो क्या है अब इसके बाद देखो यहां पे भी हम फिर से क्योंकि ये सेक्शन फार्मूला पे क्वेश्चन है तो हम इसमें सेक्शन फार्मूला ही अप्लाई करेंगे यूजिंग यहाँ यहां पर हम लिखेंगे यूजिंग सेक्शन फार्मूला वी कैन से डैट डैट माइनस वन यानी कि ये माइनस वन माइनस वन क्या है इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे इट इज एक्स कोऑर्डिनेट, समझाने के लिए यहां पर हम लिखेंगे एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पी जब हमें एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी निकालना होता है तो हम क्या करते हैं उस वक्त हम पहले ये लेफ्ट वाला रेशियो लेते हैं इससे हम बी के एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं प्लस राइट right वाला रेशो लेते हैं इससे हम ए के एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइडेड बाय इन सम ऑफ दीज यानी जिसको हम बोलते हैं एम वन इंटू एक्स टू प्लस एम टू इंटू एक्स वन डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू ये पी का एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमारे पास सेक्शन फार्मूला है तो यहाँ पर हम वही सेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर फर्क सिर्फ इतनी है क्या हमें P का x कोऑर्डिनेट मालूम है तो हम लिखेंगे लेफ्ट साइड में माइनस वन यानी कि x कोऑर्डिनेट ऑफ P इज इक्वल टू इज इक्वल टू हम लिखेंगे आ, m इंटू यानि कि m1 वन इंट एक्स टू एम इंटू सिक्स प्लस एम टू इंटू एक्स वन वन इंटू माइनस थ्री डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू डेट इज एम प्लस वन इसी तरह हम लिख सकते हैं दूसरी फार्मूला सिक्स यानी कि वाई कॉर्डिनेट ऑफ दिस पी सिक्स डेट इज वाई कॉर्डिनेट ऑफ पी इज इक्वल टू पी का वाई कॉर्डिनेट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है वाई कॉर्डिनेट ऑफ पी इज इक्वल टू एम वन इन्टू वाई टू प्लस एम टू इन्टू वाई वन डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू तो यहां पे हम लिखेंगे एम वन एम वन की जगह हम लिखेंगे एम एम वन इंट वाई टू पहला रेशो इंटू सेकेंड वाई प्लस एम टू सेकेंड रेशो इंटू फर्स्ट कोऑर्डिनेट वाई ऑफ़ फर्स्ट पॉइंट डेट इज टेन वन इंटू टेन डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू एम वन प्लस एम टू एम वन के बदले में एम एम टू के बदले में वन तो यहाँ पे अब हम थोड़ा सा इन दो इक्वेशनों को सिंपल करके इस तरह से लिख सकते हैं अब समझाने के लिए हमने लिखा था ब्रैकेट में एक्स कॉर्डिनेट ऑफ पी ये सिर्फ समझाने के लिए हमने लिखा था कि माइनस वन जो है ये एक्स कॉर्डिनेट अब इसको लिखने की जरूरत नहीं हम सिंपली लिख सकते हैं माइनस वन इज इक्वल टू तो यहां से राइट साइड से है सिक्स इंटू एम सिक्स एम वन इंटू माइनस थ्री माइनस थ्री डिवाइड बाई दिवा है एम प्लस वन और दूसरी इक्वेशन बनती है सिक्स इज इक्वल टू एम इंटू माइनस एट यानी कि माइनस एट एम प्लस वन इंटू टेन टेन डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय एम प्लस वन अब यहां पर देखिए हमें एम का वैल्यू निकालना है एम का वैल्यू निकालने के लिए हमें खाली एक इक्वेशन एक चाहिए क्योंकि मैथमेटिक्स में एक असूल है कि अगर आपको एक वेरिएबल का uh, वैल्यू निकालना है तो आपको उसके लिए एक इक्वेशन चाहिए अगर दो वेरिएबलों का वैल्यू आपको निकालना है तो उसके लिए आपको कम से कम दो इक्वेशन चाहिए तो यहां पर अगर हम खड़ी एक इक्वेशन लेंगे अगर हम कंसिडर करेंगे पहली इक्वेशन को कंसिडर फर्स्ट इक्वेशन यानी कि माइनस वन इज इक्वल टू सिक्स एम माइनस थ्री डिवाइडेड बाई एम प्लस वन उसके बाद हम लिखेंगे वी हैव इसमें से क्या निकलेगा यहाँ पे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं माइनस वन इंटू एम माइनस एम माइनस वन इंटू वन माइनस वन इज इक्वल टू सिक्स एम माइनस थ्री यहाँ नीचे आप समझो नीचे डिवाइड में वन है वन इंटू सिक्स एम माइनस थ्री यही है अब सिक्स एम को अगर यहां लाते और माइनस वन को वहां वी विल गेट माइनस एम माइनस सिक्स एम इज ईनस थ्री माइनस वन विल बिकम प्लस वन डेट विल इम्प्लाई माइनस सेवन एम इज इक्वल टू माइनस थ्री प्लस वन माइनस टू माइनस माइनस अगर कैंसिल करेंगे वह विल गेट सेवन एम इज ल टू टू डैट इम्प्लाइज एम इजक्ल टू टू बाई सेवन तो ये हमारे एम का वैल्यू है जब एम का वैल्यू हमने ये निकाला देर फोर वी विल से देर फोर पी डिडस इसका मतलब हुआ इसका मतलब होता है कि पी डिवाइडस ए बी इन द रैो इन द रैो हम कह सकते हैं एम इज टू वन टू बाई सेवन इज टू वन उसी का दूसरे जबान में मतलब होता है टू इज टू सेवन यानी इस अगर हम इन दोनों रेशों को सेवन और सेवन मल्टीप्लाई करेंगे रेशों को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने से उनका वैल्यू चेंज नहीं होता है तो अगर हम यहाँ पे दोनों को सेवन और सेवन मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ सेवन सेवन कैंसिल होगा यहाँ बन जाएगा सेवन तो टू टू सेवन तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अभी ऊपर में जो दो इक्वेशंस थी एम में यहाँ पर अगर हम इसको ए का नाम फर्स्ट रखेंगे और ए का नाम सेकंड हमने खाली फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे कंसिडर की वहाँ से हमने एम का वैल्यू निकाला टू बाई सेवन अगर हम सेकंड इक्वेशन को कंसिडर करेंगे इसी तरह जिस तरह हमने इस पहली इक्वेशन को किया सेकंड इक्वेशन को अगर हम यहाँ पर लिखेंगे फिर उसके बाद यही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद एम का वैल्यू निकालेंगे वी विल गेट द सेम वैल्यू सो यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट नोट है कि इफ वई ये यहाँ पे थोड़ा समझना है If we consider equation second in m, jo m mein second equation hai and तो यहाँ पे हम shortcut में लिख सकते हैं, वही we'll uh, get the same value of m. हमें वहां पर भी हमें यही वैल्यू एम का निकलेगा इसलिए यहां पे आपकी मर्जी है कि आप फर्स्ट इक्वेशन को कंसिडर कीजिए या सेकंड को दो में से एक को तो हमें एम का दोनों में से एम का वैल्यू सेम आएगा अब इसके बाद एक्सरसाइज सेवन पॉइंट टू का क्वेश्चन नंबर फाइव है यहां पर हमें दो पॉइंट दिए गए हैं ए जिसके कोऑर्डिनेट हैं वन माइनस फाइव और बी जिसके कोऑर्डिनेट हैं माइनस फोर फाइव यहाँ पर अगर हम प्रैक्टिकली देखेंगे ए जो है वो लगभग फोर्थ कॉर्डनेट पर होगा उसके कोऑर्डिनेट हैं वन इसका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है इसी तरह भी जो है वो प्रैक्टिकली सेकंड कॉर्डनेट पर होगा क्योंकि उसका एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि बताओ इन दोनों की जो लाइन है इस लाइन को एक्स एक्सिस किस रेशो में डिवाइड करती है यहां पर आपको बी पी और पी ए इसका रेशो आपको निकालना है या उल्टा अगर हम पहले ए की बात करेंगे ए पी टू पी बी इन दो हिस्सों का हमें रेशो बताना है तो यहां पे हम क्या करेंगे हम पी जो है क्योंकि ये पी एक्स एक्सिस पर ये पॉइंट है इसी के कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं हमें क्वेश्चन है कि इन वट रेश डज एक्स एक्सिस डिवाइड दिस लाइन तो एक्स एक्सिस किस रेशो में इस लाइन को डिवाइड करती है तो एक्स एक्सिस जहां पर इस लाइन को डिवाइड करती है तो उस पॉइंट का नाम हम रखेंगे पी अब उस पी की खास बात होगी चूंकि वो पी एक्स एक्सिस पर है एक्स एक्सिस पर जो भी पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स जीरो यानी वाई कोऑर्डिनेट इसका ज़ीरो होता है तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है सो so, यहां पे हम लिखेंगे गिवन हमें सबसे पहले ये दो पॉइंट्स दिए गए हैं इनके नाम वहीं से दिए गए हैं इसके बाद हम लिखेंगे लेट लेट एक्स एक्सिस डिवाइड्स ए बी एट सबसे पहले हम लिखेंगे पी लेट एक्स एक्सिस डिवाइड्स ए बी एट पी इन द रेशो इन द रेशो अब रेशो भी हमें निकालना है सपोज रेशो है एम इज टू वन यहां पे हम ए पी वाला रेशो एम रख सकते हैं और पी के वहां से पी बी वाला हम रख सकते हैं वन एम इज टू वन अब इसके बाद ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लिखेंगे सिनस दिस पी पॉइंट दिस पी पॉइंट वायर दिस एक्स एक्स डिड इज दिस सिनस दिस पी पॉइंट लाइज ज देरफ वाई कॉर्डिनेट खास बात यह है वाई कॉर्डिनेट ऑफ पी विल भी एक्वल टू जीरो इस पी का वाई कॉर्डिनेट जीरो होगा बट बट अकॉर्डिंग टू सेक्शन फार्मूला लेकिन यहाँ पर अगर हम सेक्शन फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे बट बाई सेक्शन फार्मूला वाई कॉर्डिनेट ऑफ पी इज गिवन बाय अगर हमें P का सेक्शन फार्मूला के हिसाब से हमें P का वाई कॉर्डिनेट निकालना है तो हम क्या करते हैं उसके लिए हमें इस रेशो से B वाले वाई को मल्टीप्लाई करना है और इस वन वाले रेशो से ए, ए के वाई को मल्टीप्लाई करना है अगर वाई निकालना तो उस वक्त खाली वाई कोऑर्डिनेट लेने होते हैं फर्स्ट रेशो इंटू वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेकंड पॉइंट प्लस सेकंड रेशो इंटू वाई कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट पॉइंट डिवाइडेड बाय सम हम लिखेंगे एम इंटू फाइव प्लस वन वन इंट दिस माइनस फाइव डिवाइडेड बाय वन प्लस एम या एम प्लस वन तो ये पॉइंट पी का वाई कोऑर्डिनेट होगा थोड़ा अगर इसको थोड़ा सिंपलीफाई करके लिखेंगे फाइव इंटू एम माइनस फाइव इंट वन इंटू माइनस फाइव माइनस फाइव डिवाइडेड बाय एम प्लस वन लेकिन अभी हमने ऊपर में बताया कि वाई कॉर्डिनेट ऑफ पी इज इट लाइज ऑन तो इसका मतलब है कि ये वाई कॉर्डिनेट जो आपने निकाला इट मस्ट बी इक्वल टू जीरो सो देयरफॉर फोर फाइव एम माइनस फाइव डिवाइडेड बाई एम प्लस वन इज इक्वल टू जीरो डेट इम्प्लाईज यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे एम प्लस वन जीरो विल बिकम जीरो वी विल गेट फाइव एम माइनस फाइव इज वल टू जीरो उसके बाद माइनस फाइव को यहां लाइए यहां से हम एम निकालने की कोशिश करेंगे फाइव एम इजल टू फाइव डेट इम्प्लाईज एम इज वल टू फाइव डिवाइड बाई फाइव डेट इज वन एम का वैल्यू निकलता है वन इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ कि रैशो है वन इज टू वन यानी कि एक्स एक्स डिज दिस ए इन द रेशो वन इज टू वन वन इज टू वन का मतलब है इक्वल पार्ट्स इसका मतलब दूसरी जबान में होता है कि ये पी जो है इट इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी क्योंकि जब रेशो बराबर है वन इज टू वन इसका मतलब होता है कि ये मिड पॉइंट है दोनों साइडों से डिस्टेंस बराबर है सो so, यहां पर हम लिखेंगे एम जब वन निकला देर फोर हम लिखेंगे एक्स एक्स जो मेन क्वेश्चन था एक्स एक्सिस इसका मतलब हुआ एक्स एक्सिस डिवाइड्स ए बी In the ratio, in the ratio वन इज टू वन ये इस क्वेश्चन का पहले पार्ट का आंसर है अब यहां पे दूसरा इसी क्वेश्चन का एक छोटा सा पार्ट है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिविजन यानी आप उस पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट निकालिए जो पॉइंट ऑफ डिविजन है यानी कि पी पी के आप कोऑर्डिनेट निकालो कोऑर्डिनेट मतलब दोनों वाई कोऑर्डिनेट तो हमें ऑलरेडी पता है कि वो जीरो है यहां पे हमें खाली एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो एक्स कोऑर्डिनेट के लिए हम फिर से हमें जब एम का वैल्यू जब हमने निकाला वन तो यहां रेशो अब हमें पता है कि रेशो वन इजटू वन है अब हम फिर से सेक्शन फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे वी विल फाइंड एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी ये इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है सो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी यहां पर हम लिखेंगे एक्स कोऑर्डिनेट बाई uh, उसको अगर हम एक्स नाम रखेंगे तो फार्मूला क्या है एक्स कॉर्डिनेट निकालने के लिए क्या फार्मूला है एम इंटू एक्स कॉर्डिनेट ऑफ दिस बी एम यहां पर हम वन लेंगे प्लस वन इंटू एक्स कॉर्डिनेट ऑफ ए डिवाइडेड बाई वन प्लस वन सो राइट वन इंट माइनस फोर वन इंटू माइनस फोर प्लस दिस सेकंड रेशो वन इंट दिस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए यहाँ पे खाली एक्स कोऑर्डिनेट लेने हैं वाई कोऑर्डिनेट को छोड़ना है यहाँ पे वन इंटू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए डेट इज वन इंटू वन डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू ये वन है और ये भी वन है तो वन प्लस वन इज ल टू वन इंटू माइनस फोर माइनस फोर वन इंटू वन वन डिवाइडड बाई वन प्लस वन टू माइनस फोर प्लस वन माइनस थ्री डिवाइडड बाई टू ये पी का एक्स कॉर्डिनेट है पी का वाई कॉर्डिनेट हमने ऑलरेडी जीरो बताया है सिनस तो यहां पर हम लिख सकते हैं सिनस वाई इज जीरो सो देरफर विल सेफोल से पॉइंट इसको पॉइंट ऑफ डिवीजन हम कहेंगे फॉर पॉइंट ऑफ डिवीजन यानी कि वो पॉइंट जहां ए बी को डिवाइड करती है वो उस पॉइंट का नाम हमने रखा है पी उसी को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ डिवीजन इज पी उस पी के कोऑर्डिनेट होंगे माइनस थ्री बाई टू जीरो तो ये इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का आंसर है